हेलो दोस्तों, बाला की रसोई में आपका स्वागत है। आज आपको बाला की रसोई से हटके कुछ गांव के वीडियो, गांव के सीन दिखाएंगे, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए देखिए, ये सामने हमारे अमरूद का पौधा है। तो आइए इसको बारीकी से देखें। ये अमरूद का पौधा बहुत ही प्यारा है और इसको छोटे छोटे से फल आने स्टार्ट हो गए। ये आपके सामने है, इनके फूल आ चुके हैं। ये थोड़े दिनों में 10 से 15 दिन पे इन पे छोटे छोटे अमरूद आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही प्यारे मीठे लाल बीजों वाले अमरूद लगते हैं। हमारा ये दूसरा पौधा जामुन का है। ये देखिए, बहुत लोगों को जामुन बहुत पसंद आती होगी, लेकिन बहुत से व्यक्तियों ने अपने जामुन का पौधा आज तक नहीं देखा होगा। ये हमारे घर पर जामुन का पौधा लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा। अभी जामुन इसका मई या जून महीने में आएंगे। ये आपके सामने भिंडी का पौधा है। सभी के घर में भिंडी की सब्जी बनती होगी। ये भिंडी का पौधा है, बहुत ही प्यारा। 15 से 20 दिन में इस पर छोटी छोटी भिंडी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पौधा देखिए आप, मक्की का पौधा, मकई का पौधा पैदा है, जिसको हम बूटा भी बोलते हैं। थोड़े दिनों में 10 से 15 दिन बाद इन पर छोटे छोटे बूटे लगने, मक्की के छोटे छोटे जो फल होते हैं वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये लौकी का पौधा, जिसको घिया भी बोलते हैं, अभी ये 10 से 15 दिन का पौधा हुआ है। अगले 1 या 1.5 महीने तक इस पर ये बड़ा हो जाएगा, इस पर लौकी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने तोरई का पौधा, ये भी घिया की शक्ल में होता है, छोटी छोटी तोरी। 1 या 1.5 महीने तक इसके छोटे छोटे फल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके सामने दिख रहा है एलोवेरा, ये एलोवेरा का पौधा है। एलोवेरा जो देसी दवाइयों वगैरह में बहुत काम आता है, छोटा सा पौधा है एलोवेरा। ये आपके सामने करेले का पौधा, अभी छोटे छोटे पौधे हैं, अभी ये तैयार होने लग रहा है। अगले 20 से 25 दिन में इस पर करेला लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये गेंदा, जिससे फूल हार वगैरह बहुत कुछ बनता है, अलग अलग टाइप में। ये पीले कलर का है और इसी के साथ ये दूसरा अलग में, ये देखिए ये दूसरा कलर, गेंदे का दूसरा कलर है। दोनों कलर आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सामने अमरूद का पौधा, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे। ये देखिए अमरूद के पौधे पे छोटे छोटे फूल आ चुके हैं। फूल आने के बाद ये इस टाइप का बनेगा और इसके बाद ये थोड़े दिनों बाद इस टाइप में आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ से हमारा ये छोटा अमरूद बनना स्टार्ट हो गया। ये अगले 15 से 20 दिन बाद इसमें काफ़ी अच्छा अमरूद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गाँव में हरे भरे पौधे, ये नीम का पौधा, ये सारे मिक्स नीम जामुन मकई सब आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपके सामने पानी में जल मुर्गी, कितना प्यारा सीन। ये धीरे धीरे अपना दाना चुभ रही है। ये गांव का तालाब है, इस तालाब में अक्सर जब शाम को दिखते हैं। देखिए प्यारे गांव का तालाब है। ये आप जो मोटे तने वाला पौधा देख रहे हैं, ये पपरल, पपरल का बहुत बड़ा लंबा वृक्ष होता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हर घर में इसका यूज होता है। तो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी रसोई में माचिस की तिल्ली बनती है तो इस पपरल की लकड़ी से ही बनती है। हर किसी को इसका पता नहीं होता, यूज जरूर करते हैं इसको, पपरल के पौधे को। ये देखिए प्याज, आपके सामने प्याज के पौधे। मैं इसको जड़ से चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए कितना प्यारा प्याज अभी बनने लग रहा है, बहुत ही प्यारा देसी अंदाज में, अपनी छोटी छोटी क्यारियों में गांव में लोग तैयार करते हैं। आपके सामने ये पौधा देखो, भिंडी का पौधा है। इसमें ये देखिए आप, ये भिंडी लगी हुई है, बहुत ही प्यारी अभी बनने लग रहे। पहले इसमें भी ये छोटे छोटे फूल आते हैं, उसके बाद ये भिंडी तैयार होती है। ये देखिए ढेर सारे पौधे भिंडी के आपके सामने। सभी गाँव में तालाब के पास जो जगह बच जाती है
वहाँ पर लोग लगाते हैं, सभी का अपने घर के लिए सब्जी का प्रबंध हो जाता है। गांव में अक्सर ऐसे करते हैं, अपनी खाली जो ज़मीन होती है उस पर अपने फ्री टाइम में पौधे वगैरह लगाते हैं, सब्जियों के पौधे, प्याज हो गया, भिंडी हो गई, हर छोटी छोटी चीज़ें जो रसोई में काम आती हैं वो अपने यहीं से बनाते हैं, अपने हाथों से तैयार करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, और उसको बनाने में खाने में मज़ा आता है। गाँव में ये देखिए छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी के पौधे लगाए हैं, अगले 15 से 20 दिन में इन पर फल आना स्टार्ट हो जाएगा। अपने घर की खेती अपने हाथों से तैयार की हुई और खुद ही अपनी रसोई में बना के खाने में बहुत ही मज़ा आता है। हाय दोस्तों, आपको हमारे गांव का वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।